हेलो एवरीवन, आईआईटीएन ट्रेडर फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीक के लिए मार्केट के ट्रिगर्स कौन कौन से हैं और यहां पे आपको क्या सावधानी बरतनी है, और 10 अगस्त को दो बड़े इवेंट्स हैं तो उनके बारे में भी आपको जानना चाहिए ताकि आप नेक्स्ट वीक के अंदर अच्छे से ट्रेड कर पाओ। तो इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है, स्किप नहीं करना है। अब चलते हैं वीडियो के अंदर, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लो। टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसको भी आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे सारी चीज़ों की अपडेट, शेयर मार्केट से रिलेटेड सारी अपडेट है वहीं पे मिलती है, और आप अपने ट्रेड के बारे में वहाँ पे डिस्कस कर सकते हो। कोई सवाल हो तो सवाल भी पूछ सकते हो, वहाँ पे आपको उसका जवाब भी मिलेगा। डीमैट अकाउंट आपके पास नहीं है तो आप बिल्कुल फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, उसका भी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर के आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। अब चलते हैं यहाँ पे सबसे पहली जो न्यूज़ है उसके ऊपर, या ट्रिगर आप समझ सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहला जो ट्रिगर मैंने लिया है वो है 10 तारीख के लिए, ठीक है। 8 तारीख से लेकर के 10 तारीख के बीच में आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी चलने वाली है, बैठक चलने वाली है, और 10 तारीख को 11 बजे आरबीआई गवर्नर साहब हैं वो यहाँ पे दरें हैं जो इंटरेस्ट रेट है उसका अनाउंसमेंट करने वाले हैं। तो अब देखना ये होगा कि पिछले बार भी यहाँ पे उन्होंने पॉज रखा था, और जब पॉज रखा था तो पिछले बार जो सीपीआई का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी इन्फ्लेशन का डेटा आया था वो यहाँ पे हल्का सा बढ़ के आ गया था। तो अब यहाँ पे लोगों के दिमाग में या एक्सपर्ट्स के दिमाग में ये आ रही है कि आरबीआई गवर्नर साहब उस इन्फ्लेशन के डेटा को देख करके कहीं इंटरेस्ट रेट हाइक ना कर दें, ठीक है। अगर हाइक करते हैं तो भी एक तरीके से एक नेगेटिव इम्पैक्ट होगा मार्केट के लिए, और अगर नहीं करते हैं तो भी मार्केट के लिए कहीं ना कहीं ये चीज़ ज़रूर दिमाग में रहेगी कि अगर हाइक नहीं किया है तो ये जो अभी पिछले बार आप देखोगे कि जुलाई के अंदर जो उसका डेटा आया था इन्फ्लेशन का वो थोड़ा सा बढ़ के आया था, तो कहीं वो इन्फ्लेशन ना बढ़ जाए वापस से। अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाती है तो फिर 100% आरबीआई को वहाँ पे करना ही पड़ेगा। अब देखना होगा कि इन दोनों के बीच में कौन सा रास्ता है वो यहाँ पे निकाल के लेके आते हैं आरबीआई गवर्नर साहब, तो ये चीज़ देखनी होगी। साथ में इंडिया के प्रस्पेक्टिव में ही इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन का डेटा आने वाला है, वो भी देखना पड़ेगा, और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का डेटा है वो भी आने वाला है, यानी कि फॉरेक्स रिजर्व के अंदर कितना जो रुपया है वो कम हुआ है या बड़ा है वो भी चीज़ यहाँ पे आने वाली है निकल के। तो एक तो ये हो गया ट्रिगर 10 तारीख के लिए इम्पोर्टेंट, ठीक है। दूसरा 10 तारीख के लिए ही मैंने आपको बोला था कि दो ट्रिगर्स हैं बड़े वाले, एक है यूएसए की तरफ से, यूएसए का इन्फ्लेशन का डेटा है वो भी 10 तारीख को ही रिलीज होने वाला है, और आपको बता दूं कि ये जो इन्फ्लेशन का डेटा है वो मार्केट के अपने मार्केट बंद होता है तब 5:30 बजे के करीबन वहाँ का जो डेटा है वो आता है, और अपना जो इन्फ्लेशन का डेटा है वो लगभग 6:00 बजे के करीबन आता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। तो यहाँ पे 10 तारीख है वहाँ पे यूएसए का इन्फ्लेशन का डेटा भी आएगा। अब वहाँ पे जो इन्फ्लेशन है वो अभी जैसे पिछली उनकी जो फेड की मीटिंग हुई थी उसमें इन्होंने रेट हाइक किया है, अब यहाँ पे देखना होगा कि किस प्रकार का, जो पहले 3% के करीबन आ गई है और उनका टारगेट है 2% का इन्फ्लेशन का लाने का, तो वो कितना रीच हो पाता है वो देखना होगा। अगर ये इन्फ्लेशन का डेटा है वो अच्छा वाला मतलब आ गया, यानी कि घट के अच्छा आ गया, तो यहाँ पे जो मार्केट के लिए है वो बहुत अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ हो जाएगी। अगर बढ़ के तो क्या ही आएगा, वो नॉर्मल रह सकता है क्योंकि इंटरेस्ट रेट अभी भी उन्होंने बढ़ाई है, ठीक है, तो घट के ही आएगा वो। तो अब देखना होगा कि क्या एक्चुअल में आता है। अब इसके बाद में जो यहाँ पे थर्ड नंबर की न्यूज़ है वो ऑयल इंडिया के लिए है। ऑयल इंडिया को सरकार ने महारत्न का दर्जा यहाँ पे दिया है, तो ऑयल इंडिया शेयर है उसके लिए ये बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है, इसको आप फोकस में रख सकते हो। फोर्थ नंबर की न्यूज़ है वो आप जितने भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम करते हो, आप पीसी, टैबलेट, मोबाइल फोन्स, डिजिटल चीज़ें यूज़ करते हो, उन लोगों के लिए है। अब ये क्यों है, और साथ में फिर अपने शेयर मार्केट के अंदर काम करने वाले हैं उनके लिए दो कंपनियां हैं, उनके इम्पैक्ट उनके लिए भी बहुत अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ हो सकती है, तो वो भी आपको बताऊँगा। देखो, सरकार ने क्या किया है, पीसी, टैबलेट, लैपटॉप के इम्पोर्ट पर पाबंदी लगा दी थी, तो उसके अंदर थोड़ा सा यहाँ पे चेंज किया है कि अब 3 महीने उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। DGFT ने 3 महीने यहाँ पे उसको एक्सटेंड करके 1 नवंबर से वो इम्पोर्ट है उसको बैन करेगी, ठीक है। यानी कि अब यहाँ पे इंडिया के अंदर पीसी, टैबलेट, लैपटॉप है वो इम्पोर्ट नहीं किए जाएंगे, कब से, 1 नवंबर के बाद में। ये चीज़ें
कंपनियों के कहने पे, क्योंकि लॉन्ग टर्म के यहाँ पे कई सारे यहाँ पे उनके साथ डील होती हैं, कई सारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो इस वजह से एक साथ नहीं यहाँ पे किया है। हालांकि पहले एक ही साथ अभी से ख़त्म कर दिया था एक ही बार में, लेकिन फिर कंपनियों के कहने पे इसको 3 महीने के लिए एक्सटेंड किया है। अब 3 महीने बाद में है वो यहाँ पे इम्पोर्ट है वो बैन होगा। अब इससे क्या इम्पैक्ट होगा, देखो इंडिया के अंदर सेमीकंडक्टर है वो अभी यहाँ पे बहुत अच्छे लेवल पे नहीं बनता है, तो हो सकता है कि एक चीज़ तो ये होगी कि इंडिया के अंदर ये चीज़ें महंगी हो जाएं। दूसरी चीज़ ये होगी कि इंडिया की कंपनियां हैं जैसे अंबर एंटरप्राइजेस को निकाल भी दो वो नहीं भी करती होगी मान लो, तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज हैं वो यहाँ पे लैपटॉप की मैन्युफैक्चरिंग, मोबाइल फ़ोन की मैन्युफैक्चरिंग, टैबलेट्स की मैन्युफैक्चरिंग उसके अंदर काम करती है, तो उसके लिए बहुत भी पॉजिटिव न्यूज़ होने वाली है ये वाली, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी है। फिफ्थ नंबर के अंदर आपको बताऊंगी महिंद्रा एंड महिंद्रा, उसके लिए पॉजिटिव न्यूज़ होने वाली है, क्योंकि थार जो आप देख पा रहे थे अभी, थार जो चल रही थी मार्केट के अंदर उतार दी गई थी, अब 15 अगस्त को इलेक्ट्रिक थार है वो लॉन्च करने वाले हैं, और ये इलेक्ट्रिक थार है वो कितना महिंद्रा एंड महिंद्रा के अंदर ईवी सेगमेंट के अंदर यहाँ पे पोर्शन मार्केट का खींच के लेके आती है। वैसे तो देखो सीधी सी बात यह है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है, तो ये देखना होगा कि किस प्रकार से ये इसका मॉडल आता है, किस प्रकार से लॉन्चिंग होती है, वो देखना होगा किस प्रकार का इसका रेस्पॉन्स आता है। अगर ये बहुत अच्छा रहा जैसे पिछले वाली थार आई थी मार्केट के अंदर, तो उसका बहुत ज़्यादा हाइप था, बहुत ज़्यादा डिमांड थी, तो उसका महिंद्रा एंड महिंद्रा को बहुत फ़ायदा हुआ था। अगर ये भी उसी प्रकार का निकला तो हम देखेंगे कि महिंद्रा एंड महिंद्रा है वो आगे काफ़ी अच्छी ग्रोथ करने वाला है। अब साथ में नेक्स्ट वीक में ही अर्निंग्स के डेटा आने वाले हैं, तो नेक्स्ट वीक में 1800 कंपनियों के रिजल्ट आएंगे, ठीक है, क्योंकि ये रिजल्ट सेशन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीशन के ऊपर है, अभी ख़त्म होने वाला है, तो नेक्स्ट वीक के अंदर 1800 कंपनियों के रिजल्ट आने वाले हैं, और उनके अंदर कुछ कंपनियों को मैंने यहाँ पे डाल दिया है, उनको आप देख सकते हो, अडानी पोर्ट्स है, कोल इंडिया, हिंडाल्को, ग्रासिम, ये सब नाम लेना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप पढ़ सकते हो पॉज करके, तो ये बहुत सारी कंपनियों के रिजल्ट्स हैं वो आने वाले हैं नेक्स्ट वीक के अंदर। इसके साथ में अगर आपको और भी चीजें जाननी है कि ग्लोबल के अंदर नेक्स्ट वीक में क्या होने वाला है, तो यूएसए के अंदर मंडे को कोई ट्रिगर नहीं है, ट्यूसडे को देख सकते हो, वेडनेसडे को, थर्सडे को, ये सारी चीजें हैं वो ट्रिगर होने वाले हैं। साथ में जापान की ट्रिगर है मंडे को, चाइना से ट्रिगर है, वो सारी चीजें आप देख सकते हो, अलग अलग तरीके से पढ़ सकते हो, ठीक है। अब यहां पे मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ उसको, और कॉरपोरेट एक्शंस हैं उनके अंदर देखोगे कि इंडिया की कंपनियां हैं उनके अंदर बहुत सारे कॉरपोरेट एक्शंस होने वाले हैं, तो कई कंपनियों के अंदर एक्स डेट होगी, किस चीज़ की, डिविडेंड की, फाइनल डिविडेंड की, कई कंपनियों की ईजीएम की डेट है, तो सारी चीज़ें डिसाइड होने वाली हैं। तो अगर डिविडेंड है फाइनल डिविडेंड है उसकी एक्स डेट है, तो कंपनियां हैं जितना डिविडेंड देती हैं उसको से एडजस्ट करने के लिए गैप डाउन ओपन हो सकती है, तो ये कंपनियों की लिस्ट मैंने आपको लगा दी है कि कौन कौन सी कंपनियां हैं वो एक्स डिविडेंड होने वाली हैं, तो यहाँ पे आप फोकस कर सकते हो। अगर वो नीचे खुलती हैं तो आपको डरना घबराना नहीं है, जा करके चेक कर लेना है कि उनका डिविडेंड का एक्स डेट तो नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़, जो फ्राइडे को SBI के रिजल्ट आए थे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, उसके रिजल्ट है वो मार्केट को पसंद नहीं आए थे, सीधी सी बात तो ये है, ठीक है। लेकिन वहाँ पे मार्केट को क्लोज होने के बाद में बातें ये हो रही थी कि SBI है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, उसके मैनेजमेंट की तरफ से अब एक कॉन कॉल होगी या प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसके अंदर उसका मैनेजमेंट है वो आकर के क्या बोलता है वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। तो वहाँ पे मैनेजमेंट ने एक स्टेटमेंट तो दिया है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है वो, कि इनके मैनेजमेंट ने कहा है कि लास्ट वन मंथ में इन्होंने 1500 करोड़ रुपये की जो पेमेंट था, लोन था, उसको रिकवर कर लिया है, 1500 करोड़ रुपए के लोन को रिकवर कर लिया है इन्होंने, तो ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है कि 1500 करोड़ के लोन को रिकवर करना। रिकवर का मतलब ये नहीं है कि किसी को दिया हुआ था और वो एक अच्छा आदमी था उसने दे दिया है, जो NPA हो जाता है, जिसकी प्रोविजनिंग कर ली जाती है, जो पैसा आने वाला नहीं होता है उसको रिकवर करना बोलते हैं, ठीक है। तो इन्होंने ये काम किया है, तो ये तो एक अच्छी चीज़ है। अब देखना होगा कि मार्केट है वो मंडे को किस प्रकार का इम्पैक्ट डालता है। अगर मार्केट को सच में ये रिजल्ट पसंद नहीं आए, तो SBI के रिजल्ट पसंद नहीं आए, तो आने वाले 3 महीने तक, अगर पसंद नहीं आई की बात बोल रहा हूँ, आने वाले 3 महीने तक अगर SBI नहीं चल पाया ना, तो आने वाले 3 महीने तक ही है वो बैंक निफ्टी जो अभी तक का 46,000 के करीबन तक का जो इन्होंने टॉप बनाया है वो क्रॉस नहीं होगा, लाइफ टाइम हाई है वो नहीं क्रॉस होगा। अगर SBI बैंक चलेगा तो ही लाइफ टाइम हाई क्रॉस होने वाला है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है।
तो ये हो गए आज के जितनी भी न्यूज़ थी वो, वीकेंड पे जो भी न्यूज़ थी वो, और साथ में नेक्स्ट वीक के अंदर जो इम्पोर्टेंट ट्रिगर्स हैं, 10 तारीख को दो बड़े इवेंट्स हैं उनके बारे में इन्फॉर्मेशन। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डीमैट अकाउंट आपके पास नहीं है तो आप बिल्कुल फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।